आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थानीय शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बासेपुर डड़वा में तैनात दो अध्यापकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने दोनों अध्यापकों को निलंबित करते हुए खंड शिक्षा कार्यालय अतरौलिया से संबद्ध किया है। मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी पलनी आजमगढ़ को सौंपा गया है। बता दें कि दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया रविशंकर यादव उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में निरीक्षण करने कंपोजिट विद्यालय बासेपुर डड़वा में गए थे। अध्यापक समय से नहीं उपस्थित मिले तो उन्होंने अध्यापक की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक दिन का वेतन रोक दिया था। इस दौरान अध्यापकों ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव ने भी आरोप लगाया था कि वेतन रोकने के बाद कुछ अध्यापक गण उग्र हो गए थे और मेरे साथ दुर्व्यवहार किए थे। पूरे मामले में से उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, जिसके क्रम में जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी और शैलेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी पलनी आजमगढ़ को सौंपी गई। बताते चले कि निलंबित अध्यापकों को खंड शिक्षा कार्यालय अतरौलिया से संबद्ध किया गया है। निलंबित अध्यापकों को रोजाना खंड शिक्षा कार्यालय अतरौलिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस कार्रवाई से अध्यापकों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 9 भारत के लिए सत्यम गोण की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।